छत्तीसगढ़ कोरिया जिला के नगर पालिका निगम चिरमिरी के अंतर्गत आने वाला स्थान गेला पानी में सिख कौम के 55 वर्षीय भाई बहन दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, यहां तक कि भीख मांगने की नौबत बनी हुई है। क्या है पूरा मामला, देखिए आईबीएन 24 न्यूज पर देवेंद्र सिंह के साथ। मैडम पहले अपना नाम बताएंगे। मैं भारतीय सिंह, हिंदू सेना प्रदेश महामंत्री। मैडम ये आप गीला पानी में आते हैं, दो लोगों की सहायता करते हैं, किस प्रकार की सहायता करते हैं? ये दो लोग हैं जो गीला पानी में रहते हैं, दोनों भाई बहन हैं, बहुत गरीब हैं और इनकी हम 6 महीने सहायता कर रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था इनको हर महीने ला करके दिया जाता है हिंदू सेना के द्वारा। मैडम देखने को मिला है इनके घर पे छत भी नहीं है और ना ही इनको पहनने ओढ़ने के लिए कुछ वस्त्र है, ना ही इतनी ठंडी में इनको किसी प्रकार की सहायता मिल पा रही है, क्या इसमें? हम लोग यहाँ हर बार जब भी हर महीने आते हैं, देखते हैं इनके पास छत नहीं है, रहने को घर नहीं है, अच्छे से पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, ठंड में मरते हैं बेचारे। और निगम में जो भी हमारे पदाधिकारी हैं और प्रशासन है, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसको क्या मानते हैं, प्रशासन की लापरवाही है कि? प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि इन गरीबों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनके लिए आने वाले भविष्य में और क्या करना चाहेंगे आप लोग? इनके लिए हम हिंदू सेना तो करते ही आ रहे हैं और भी कुछ करेंगे, और प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए।